नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे भी कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल, जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वह अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा, खूंखार जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद पर लगाम लगाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन लव जिहाद के मामले लगातार बढ़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। फतेहपुर से एक खबर आई, एक नाबालिग बच्ची को फिल्मी स्टाइल में कुछ युवक अगवा करके ले गए। अभी तक पता नहीं है कि वो नाबालिग बच्ची कहाँ है। लव के लिए जिहाद, लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला। मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप, वो फिल्म स्टाइल में घर में घुसा, साथियों ने भी दिया साथ, नाबालिग लड़की का अपहरण कर वे फरार। वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ लव जिहाद के मामले पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के मामले हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मामले कम होने के बजाय और सामने आने लगे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां एक नाबालिग लड़की का फिल्म स्टाइल में अपहरण किया गया। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप है कि वो फिल्म स्टाइल में अपने साथियों के साथ रात में मौर बिरादरी के एक घर में घुसा और उसकी नाबालिग लड़की का अपहरण कर फरार हो गया। तक मुस्लिम है, मेरे बहन को उठाकर ले गया है, अभी तक घर आई नहीं है। किस क्लास में पढ़ रही है? 11 क्लास में। आपने पुलिस के पास गए? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? कह रहा है कि हम तुम्हें ढूंढ कर चाहे जहाँ से पाए वहाँ से तुम्हारे यहाँ हाजिर करेंगे। जिले में एक महीने के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण के कई मामले सामने आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय महामंत्री वीरेंद्र पांडे ने कहा कि अब फतेहपुर जिले में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में मुस्लिम युवकों पर केस तो दर्ज करती है, लेकिन गजवा ए हिंद संगठन की आड़ में जिले में मस्जिद और मदरसों में लव जिहाद के रैकेट चलाने वाले मौलवियों को गिरफ्तार नहीं करते। हालांकि खागा कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अपहरक लड़की के पिता की तहरीर पर मुख्य आरोपी शोएब, सुहेल, सलमान, कल्लू, नूर जहां के खिलाफ नाबालिग लड़की का अपहरण और साजिश की धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। रात में हमें पता लगा कि 12:01 के बीच में बिटिया को उठा ले गया। कौन उठा ले गया? मुसलमान है, सेबू नाम है इसका, अपराधी किस्म का है। और प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है, FIR भी हुई है, उसके बाद आई है, छानबीन की है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और ये पता लग रहा है कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में लगा है। अच्छा, बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, आप क्या चाहते हैं? आपका परिचय? मेरा नाम विनोद सिंह। इस घटना में शामिल मुस्लिम महिला नूर जहां पर आरोप है उसने हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश किया। वहीं इस मामले में कई बार पुलिस अफसरों के COG नंबर पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो आधिकारिक बयान देने के लिए मीडिया से बातचीत नहीं की। विश्व हिंदू परिषद नेता वीरेंद्र पांडे ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये लव जिहाद का कोई सामान्य मामला नहीं है,
जिले में समुदाय विशेष संगठन गजवा ए हिंद से जुड़े मौलवी इस्लामिक विद्यालयों और मस्जिदों मदरसों की आड़ में लव जिहाद और धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। महानगरों में हिंदू लड़कियों को ले जाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है और इस बात का पर्दाफाश करती है, आखिरकार मुख्य माजरा क्या है। इंडिया न्यूज के लिए फतेहपुर से अनुप तिवारी की रिपोर्ट। अवैध तरीके से कारोबार करने वाले और अवैध तरीके से इनकम टैक्स पे न करने वाले लोगों पर आयकर विभाग जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हमीरपुर में भी एक गुटखा कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। भारी संख्या में कैश बरामद किया गया। कैश इतने मात्रा में मिल गए कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। एक मशीन नहीं, करीब 3 मशीन लगातार पैसों को गिनती रही और बताया जा रहा है लगभग 6 करोड़ रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। काली कमाई का धन कुबेर निकला गुटखा कारोबारी। बक्से में भरे गए नोट, नोटों से भरे 3 बक्से ले गए जीएसटी की टीम। गुटखा कारोबारी के यहां छापेमारी, एसजीएसटी टीम की छापेमारी। करोड़ रुपए मिले, गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई गई। कारोबारियों में मचा हड़कंप। काले कारोबारियों पर नकेल कसने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम आपको हमीरपुर के एक ऐसे गुटखा कारोबारी के बारे में बताएंगे जिसके घर पर छापेमारी की गई और करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के हमीरपुर जिले की है। हमीरपुर जिले में सीजीएसटी की कानपुर की टीम ने सुमेरपुर के दयाल पान मसाला के निर्माता जगत गुप्ता के घर पर छापेमारी की। करीब 15 घंटे तक चली छापेमारी में दस्तावेज में कई खामियां मिलने के साथ ही पान मसाला कारोबारी के घर से टीम को भारी मात्रा में नकदी रुपए मिले हैं, जिसे टीम ने बक्सों में भर कर अपने साथ ले गई। चौकी मत, ये वही गुटखा है जिसके बारे में जिसके रैपर पर लिखा होता है कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस हानिकारक सामान को बेचने पर बड़ी मात्रा में कमाई भी होती है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रुपयों को ले जाने के लिए बक्से तक मंगाने पड़ते हैं। चर्चा है कि छापेमारी में टीम को करीब 6 करोड़ रुपए की नकदी राशि मिली है, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने की 3 मशीनें भी मंगाई गई थी। रात में ही करीब 3 बड़े बक्से भी मंगाए गए। टीम में शामिल अधिकारियों ने काफी कैश मिलने के बाद कहते हुए इससे ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि आयोग की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर सारी जानकारी दी जाएगी। आपके सिग्नेचर से होगा, उसमें सारी चीजें मेंशन कर दी जाएंगी कि ये चीज यहाँ पाई गई, इतना एक्सेस पाया गया या कैश या जो भी हमें मिला है। अनुमानित बता दीजिए क्या मिला। अनुमानित भी प्लीज आप मुझे माफ करें इस मामले में, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकता। कौन बताएगा, लोकल में कौन बताएगा। देखिए मैं आपको एक ही स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कि जो जो हमको चीजें मिली हैं, चाहे वो कैश हो या क्वांटिटी मत बताइए, जवाब दे दें कि डॉक्यूमेंट भी क्या मिले हैं। आप सब देख रहे हैं कि बैंक से हमने लोगों को बुलाया है, ठीक है, बैंक के ऑफिशियल हमारे पास आए, मशीनें भी आई है, तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं। लेकिन प्लीज, कितनी मशीनें लगी थी? 3 मशीनें लगी थी, लेकिन आप मतलब मुझे कितने घंटे गिनती चली नोटों की ना करें कि गोल्ड भी मिला 3 मशीनों से कितनी देर गिनती करी आपने? और क्या रिकवर हुआ है, पूरा प्रेस नोट में आपको मिल जाएगा, आप चिंतित ना होइए। कल सुबह तक सर कितने लोग थे वक्त, सर कितने लोग थे टीम में? सीजीएसटी की टीम सुबह करीब 6 बजे 5 गाड़ियों में सवार होकर पान मसाला व्यवसायी के आवास पर छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान एक मिनी ट्रक माल लेकर घर से बाहर निकला तो टीम ने उसे रोक दिया। बाहर टीम को देखकर मुख्य द्वार बंद कर लिया गया, जो काफी देर तक नहीं खोला गया।
घर का मुख्य द्वार इलेक्ट्रॉनिक है, इसे कोड के जरिए खोला जाता है। टीम के दबाव बनाने पर व्यवसायी ने गेट खोला। टीम में शामिल एक दर्जन अधिकारियों ने पूरे घर की सघन तलाशी की। घर के किसी भी सदस्य को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। टीम ने घर की छत पर पानी की टंकी का ढक्कन खोलकर उसे डंडे से चलाकर जांच की। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर का बक्सा खोलकर देखा। तलाशी के दौरान बैंक खातों, कारोबार से जुड़े दस्तावेज, लैपटॉप को कब्जे में ले लिया गया। चर्चा है कि लेखा जोखा के मिलान के दौरान टीम को काफी गड़बड़ियां मिली थी। निवारक शाखा कानपुर से, जो सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी का एक पार्ट है, तो वहां से हम आए। कल से हमारी ये कार्यवाही चल रही है, अभी जस्ट कंक्लूजन चल रहा है। आपको बता दें कि पुरानी गला मंडी में इंडियन बैंक के सामने दयाल गुटका के निर्माता जगत गुप्ता का घर है। घर में छापेमारी शुरू की गई। टीम के पहुंचने पर काफी देर तक आवास का मेन गेट जब नहीं खोला गया तो टीम के अधिकारियों ने कड़ी फटकार लगाई, तो कारोबारियों के परिजनों ने किसी तरीके से गेट खोला। बताया जा रहा है टीम ने यहां पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई है, जिसका मिलान किया जा रहा है सीजीएसटी की टीम को। गुटखा कारोबारी के घर से करोड़ रुपए नकदी मिले हैं, जिसे लेकर अधिकारी लेखा जोखा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए हमीरपुर से वीर धनंजय की रिपोर्ट। यूपी पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। पुलिस बदमाश जहां भी छुपे हैं उन्हें ढूंढ ला रही है। लखीमपुर खीरी में कुछ बदमाश खुद को बेहद शातिर समझते थे, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और ये हाथ उन बदमाशों तक भी पहुंच गए जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने थे। बहरहाल कुछ लोग भागने में भी कामयाब हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। बदमाशों की खैर नहीं, हर अपराधी पर होगी कार्रवाई। गोलियों की ठाए ठाए, बदमाशों में दहशत, गलत काम का गलत नतीजा। यूपी पुलिस अपराधियों के लिए काल बन गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी की है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली की रामापुरा चौकी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और रामापुर चौकी प्रभारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र में पनगी खुद पुलिया के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि मुखबिर की सूचना मिली कि रामापुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पनगी खुर्द के पास मौजूद कुछ बदमाश किसी आपराधिक घटना को वारदात देने वाले थे। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और चौकी प्रभारी रामापुर मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख कर बाइक सवार बदमाश पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश इमरान उर्फ कालिया के पैर में गोली लग गई और वो वहीं गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश इमरान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वही तीसरा बदमाश समीउल्ला रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश इमरान उर्फ कालिया जनपद सीतापुर के तंबोर का निवासी है। वहीं दूसरा साथी का नाम इमरान भी है, वो भी तंबोर का रहने वाला है, जबकि फरार हुआ समीउल्ला सीतापुर से लहरपुर का निवासी है। तीनों बदमाश पर जनपद खीरी सहित सीतापुर बहराइच में भी लूट चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि ये तीनों शातिर अपराधी हैं, जो कई दिनों से ये लोग फरार चल रहे थे। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, दो तमंचे, तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं फरार बदमाश को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है, साथ ही अपराधियों का अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई थी
कि एक अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह जनपद खीरी में एक वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है। इस सूचना में क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे तीन युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है एवं अन्य दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। एक अपराधी अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इनके कब्जे से दो देसी तवंचे, तीन जिंदा कारतूस एवं दो खोखे बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म के चोर हैं। इनके द्वारा जनपद खीरी के साथ साथ बहराइच एवं सीतापुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहराई से अभी पड़ताल की जा रही है। बाकी जो कॉम्बिंग कराई जा रही है उसमें हमें भी आशा है कि शीघ्र कुछ मिलेगा। सर, जिसको गोली लगी उसका क्या नाम है? गोली लगने वाले युवक जो अपराधी है उसका नाम इमरान है, इमरान उर्फ कालिया। ये थाना तंबौर जनपद सीतापुर का रहने वाला है एवं अन्य जो दूसरा अपराधी पकड़ा गया है उसका भी नाम इमरान है और ये भी तंबौर थाना जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इस कार्रवाई से एक बात साफ है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो किसी के हाथों बच नहीं सकता। लखीमपुर खीरी से अभिषेक की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में लैब टेक्नीशियन बरसा सिंह को किसी ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन सवाल ये उठता है आखिरकार किसी ने अगर मौत के घाट उतारा तो पति क्यों फरार है, पति कहां चला गया? सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी जवाब बाकी हैं क्योंकि पुलिस तफ्तीश कर रही है। CSIR लैब टेक्नीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ोसी की कार में मिली लाश, लाश मिलने से हड़कंप, महिला का शव मिलने के बाद पति फरार, हत्या या आत्महत्या, शादी हुई, बेटी घर से दुल्हन बनकर विदा हुई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था शादी के बाद बेटी का क्या हश्र होगा। राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में लैब टेक्नीशियन वर्षा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया। वर्षा सिंह का शव जानकीपुरम स्थित CDRI न्यू कैंपस स्थित आवास के सामने खड़ी एक कार में मिला। लाश को देखते ही आसपास के लोगों में हाहाकार मच गया, जिसके बाद से उसके पति विश्वेश्वर सिंह लापता बताए जा रहे हैं और फोन भी नहीं लग रहा है। CSIR जगह पड़ती है, एक जानकीपुरम में एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से हम लोग को ये सूचना मिली कि एक महिला है जिनका नाम वर्षा सिंह है, जो कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का काम करती हैं, उनका शव मिला है यहाँ पे एक कार के अंदर, जो पड़ोसी की कार है, इनके पड़ोसी की कार के अंदर इनका शव पीछे वाली सीट पर मिला है। यहाँ पे जो इनके हस्बैंड हैं जिनका नाम विश्वेश्वर सिंह है, बताया जा रहा है कि वो LIC एजेंट थे, लेकिन काफ़ी टाइम से उन्होंने काम छोड़ दिया था अपना। वो अभी मौके से फरार हैं, उम्र लगभग उनकी 28 वर्ष है और टीम लगाई गई है और उनको पकड़ के फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर पता चलेगा कि क्या था इसमें पूरा मामला। महिला की उम्र क्या होगी? महिला की उम्र लगभग 27-28 वर्ष ऐसे ही है। प्रथम दृष्टया बॉडी को देख के ये लग रहा है कि गले में कुछ निशान है, लेकिन वो गले के निशान सुसाइड से भी हो सकते हैं, थ्रॉटलिंग से भी हो सकते हैं। तो बॉडी का PM कराया जाएगा, तब चीज़ें क्लियर होंगी। इनके घर वालों को, ससुराल पक्ष को सूचना दे दी गई है, मायके पक्ष को भी सूचना दी जा रही है, आगे विधिक कार्रवाई इसमें करवाई जाएगी। फिर मैम इनको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया? हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके पति द्वारा और उनके पड़ोसियों द्वारा इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और फिर वो लोग वापस इनको यहाँ पे लेके आए थे। वर्षा सिंह मऊ जिले की रहने वाली लखनऊ में CDRI न्यू कैंपस में विश्वेश्वर के साथ रहती थी। सोमवार रात को उनके घर के सामने पड़ोसी की खड़ी कार में
मृत अवस्था में पाई गई। लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में CSIR में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाली वर्षा सिंह का कल शव अंदर कैंपस में एक गाड़ी के अंदर मिला। बताया जा रहा है कि पड़ोसी की गाड़ी में उनका शव पीछे की सीट पर मिला है और ये बताया जा रहा है कि जो उनके पति हैं विशेश्वर सिंह वो उसके बाद से लापता है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जानकीपुरम पुलिस को दी गई, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि जो विशेश्वर सिंह है वो LIC में एजेंट के रूप में पहले काम किया करते थे और उनकी जो पत्नी है उनका शव कल गाड़ी मिला है, गाड़ी पड़ोसी की बताई जा रही। जानकारी ये भी मिली है कि उनके जो पति हैं वर्षा सिंह को उसी गाड़ी में लेकर पहले हॉस्पिटल गए थे, जहां पर उनको जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद फिर वो वापस उनको लेके आए और गाड़ी में ही छोड़कर यहां से लापता हो गए हैं। हालांकि पुलिस को मौके से यानी वर्षा सिंह के गले पर कुछ निशान से मिले हैं और अभी इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके जो पति विशेश्वर सिंह की तलाश की जा रही है, ताकि उनके मिलने के बाद ही पता हो सकेगा कि इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ वजह थी, क्या वर्षा सिंह ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई। फिलहाल अभी इस पूरा मामला जांच का है और जांच के लिए पुलिस की जो टीम है वो विशेश्वर सिंह की तलाश कर रही है और जब विशेश्वर सिंह की तलाश पूरी हो जाएगी तो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ेगी, जिसके बाद पूरे मामले का सच है वो सामने आने की उम्मीद है। CDRI की लैब टेक्नीशियन वर्षा सिंह की मौत के मामले में पिता और भाई ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पिता और भाई का आरोप है कि वर्षा का पति अक्सर पैसों की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करता था। पति नशे की गिरफ्त में था। उनका आरोप है पिता दारोगा है इसलिए धौंस देता था। परिवार के कई लोग पुलिस में हैं इसलिए दबाव बनाया जाता था। टेक्नीशियन वर्षा सिंह की मौत के मामले में अभी भी जांच चल रही है, वहीं उनके पिता और भाई का आरोप है, बात करेंगे। क्या कहना सर, क्या आरोप है? बेटी हमारी बहुत सीधी और सादी थी, आए दिन उनके तरफ से दहेज की बात उठती रहती थी। लड़का नशे की गिरफ्त में था, शराब और इत्यादि और ने नशाएं करता था। इन नशा के वजह से उसने गला दबाकर पैसे के लिए हत्या किया और उसके पिता दरोगा हैं। आज दरोगा होने के नाते यहाँ FIR और सारी चीज़ों में भी मुझे संकट हो रहा है। यहाँ भी दबाव देने के लिए उनके भाई हैं, 6 भाई उनके दरोगा हैं, उस परिवार के 6 भाई दरोगा हैं। एक भाई CDRI में बैठे हैं, एक भाई यहाँ बैठे हैं, एक भाई PM House में बैठे हैं। चलो हर तरह से रिपोर्ट को क्या चाहते हैं भैया, क्या हम न्याय चाहते हैं। हमने बेटी को पढ़ाया, हमारी 2 टॉपर है लड़की, CDRI से रिकॉर्ड लेके देख लीजिए 70% से ओवरऑल ऊपर मार्क। बेटी ने कभी कुछ आपसे बात की हो इसको लेकर? हाँ, किया, पैसे की मांग किया। ये लोग पैसे की मांग आए दिन। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? ये इधर तो गाड़ी की बात किए, 10 लाख रुपए की डिमांड थी और बार बार ये पैसे की मांग आती थी। तो आपका मतलब है हत्या की गई है? हत्या की गई है। आप भाई हो, क्या कहना चाहते हैं? जी मेरी बात होती थी तो कभी बताती नहीं थी कि ऐसी सब चीज़ें हो रही उसके साथ, लेकिन मम्मी से खुल के बोलती थी तो ये सब चीज़ें अचानक। क्या मम्मी से क्या बात होती थी? मम्मी से ये बताती थी कि आज ऐसी चीज़ें हो गई है, जैसे कि आज 10 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं मुझसे, गाड़ी के लिए दबाव दिया जा रहा है। गाड़ी हमने खरीदवा दिया उसी के पास से, उसी लोन से लोन लेके एक गाड़ी, नई गाड़ी खरीदवा दी गई। कभी ऐसा लगा कि उनकी ऐसे वर्षा सिंह की जान जा सकती? कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन ये कल ऐसी घटना हो गई जो कि जानकारी अब कैसे हुई आप लोगों को? हम लोग को कॉल आया था पड़ोसियों का। अच्छा जी, क्या बताया कि यहाँ दुर्घटना हो गई है, आप तत्काल आ जाइए, तत्काल आ जाइए। फिर हम मऊ जनपद, हमारा गृह जनपद मऊ है, मऊ गांव पे हम थे, वहाँ से डायरेक्ट हम सीधे 3.5 घंटे में आए और वो लोग आए हैं आज 9-10 बजे, लड़के पक्ष के पिता 10 बजे आए हैं। आने के बाद वो थाना और चौकी का ही चक्कर और PM House का लगा रहे हैं। एक बैठे हुए हैं यहाँ थाने में, एक आदमी PM House पे हैं, एक आदमी CDRI में है, लड़के के पिता। अभी आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। ये सारे लोग जो दोषी हैं इनको दंडित किया जाए कठोर से कठोर। वर्षा सिंह के पिता हैं और साफ तौर पर आरोप है कि लगातार दहेज के लिए विशेश्वर सिंह उनको प्रताड़ित करता था। बेटी ने भी हालांकि इसको लेकर जिक्र भी किया था, लगातार पैसों की मांग हो रही थी, उसी के चलते ही उनकी बेटी की जान गई। फिलहाल ये लोग चाहते हैं कि इनके इनकी जो बेटी उसको न्याय मिले। शिवम के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है,
आपको बताना है समाज में किस तरीके से जरायम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार।